महाराष्ट्र में सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस और विधायक दल के नेता के पद से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में सुनवाई जारी है। याचिका में शिंदे गुट ने साफ कहा है कि उन सभी ने उद्धव ठाकरे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए उनके पास कोई बहुमत नहीं है। इस वजह से अयोग्यता की कार्रवाई रोककर पहले फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने सदन में बहुमत खो दिया है, क्योंकि शिवसेना विधायक दल के 38 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और इस तरह सदन में बहुमत से नीचे आ गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थक थाने में उनके समर्थन में उनके आवास पर एकत्रित हो गए हैं। पूरी सुनवाई का लाइव प्रसारण शिंदे गुट होटल से दिखेगा, जिसके लिए उन्हें लिंक भेज दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अस्पताल से राजभवन वापस लौट आए हैं। इस बीच कोश्यारी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर बागी विधायकों के परिवारों को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि शिंदे गुट के विधायक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्हें फिर से अपने कार्यालयों में काम करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव गुट ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर ने उन विधायकों को नोटिस भेजा था और इस मामले पर जवाब देने के लिए विधानसभा में हाजिर होने को कहा था। यहीं से शिवसेना के बागियों और उद्धव ठाकरे के बीच शुरू हुई सत्ता की जंग में शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि 16 बागी विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस याचिका में अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाने की कार्यवाही को भी शिंदे गुट की तरफ से गैर कानूनी बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और उसकी तरफ सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाना भी अवैध है। गौरतलब है कि शिवसेना के 38 बागी विधायकों के समर्थन के साथ एकनाथ शिंदे ने अपने गुट को ही असली शिवसेना बताया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के अलावा बागी विधायक भरत गोगावले ने भी याचिका दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।